अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शमीज़ किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ ओल्ड दिल्ली की फेमस वाली चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। ये एक चटपटी और तीखी चिकन करी है, आप सबको बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें चलते हैं रेसिपी की ओर। बिस्मिल्लाह। पहले एक बोल में 500 ग्राम्स चिकन को अच्छे से क्लीन और वॉश कर लें। अगर लेग पीसेस हो तो इस पे कट लगा लें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमन पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब आप एक पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 रफली चॉप्ड अनियन, 1/4 टीस्पून नमक और 2 रफली चॉप्ड टोमेटोस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 2 हरी मिर्चें, लिड को क्लोज करके 2 मिनट तक स्लो कुक कर लेंगे। अब आप देखें टोमेटोस थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे फ्लेम को बंद करके ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक और पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून बटर, डाल के अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैरिनेटेड चिकन को शैलो फ्राई कर लेंगे। अब आप देखें ऑनियन और टमाटो मिक्स अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करके साइड पे रख दें। चिकन दोनों तरफ से अच्छे से कुक होनी चाहिए, तो इसको मीडियम हाई हीट पे अच्छे से पका लें। अब दूसरे पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, अच्छे से मेल्ट होने के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि बटर में भी नमक होता है। अब टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। अब इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर डालेंगे ऑनियन और टमाटो का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद और इसमें ब्लेंडर का लेफ्ट ओवर पानी भी ऐड कर लेंगे। अब एक बॉईल आते ही शैलो फ्राई की हुई चिकन को इस ग्रेवी में डाल लेंगे उसके ऑयल और मसालों के साथ। डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही डालने के बाद 5 मिनट तक इसको स्लो कुक कर लें। पांच मिनट तक अच्छे से कुक होने के बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इस पॉइंट पे लिड को क्लोज करके 15 से 20 मिनट तक स्लो कुक कर लेंगे। 20 मिनट के बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है तो समझें चिकन बन गई है। अगर ऑयल सेपरेट नहीं हुआ है तो और 5 से 10 मिनट तक आप स्लो कुक कर लें। अब इस पॉइंट पे आप चिकन को धुआं दे दें। एक छोटा सा बोल या फॉइल रख के गर्म कोयले को रखने के बाद थोड़ा सा घी डाल के लिड को बंद कर लें और 10 मिनट तक छोड़ दें। तो एकदम रिच चटपटी ज़बरदस्त सी चिकन चंगेज़ी की ग्रेवी बनके तैयार है। आप रोटी या बटर नान के साथ इसको सर्व कर सकते हो। हमने तो इस ग्रेवी के मज़े लिए, आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।